हेलो एवरीवन, आज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हम बात करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन के लिए पंक्चुएशन एज इंटरनल एड। तो पंक्चुएशन जो होते हैं वो ऐसे सिंबल और मार्क्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में ये बताने के लिए लगाए जाते हैं कि वो कौन से एक्सप्रेशन दे रहा है सेंटेंस को, और क्लैरिटी देने के लिए। तो जो सेंटेंस है या कोई भी सेक्शन है, प्रोविजन है, स्टैट्यूट है, एक्ट है, उनमें जब ये पंक्चुएशन लगाए जाते हैं तो वो ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं उस सेंटेंस को। तो जो ये पंक्चुएशंस हैं वो अर्लियर लॉज में नहीं लगाए जाते थे, पर अब जो लॉज हैं उनमें लगाए जाते हैं, इसलिए इंटरप्रिटेशन में भी अर्लियर इन्हें जो है इंटरप्रिटेट करने के लिए नहीं लिया जाता था, पर अब इसे इंटरनल एड की तरह लिया जाता है। तो इंटरनल एड हैं क्योंकि ये एक्ट में होते हैं, पर इसमें ये भी ज़रूर है कि जो पंक्चुएशन है पहले कोर्ट को उन्हें पंक्चुएशन को लगाए बिना देखना होता है सेंटेंस को। अगर उनसे उन्हें कोई एम्बिग्यूटी नहीं मिल रही है, वो क्लियर सेंस दे रहे हैं, तो पंक्चुएशन को लगाने का या इंटरप्रिटेट करने के लिए ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अश्विनी कुमार वर्स अरविंद बोस के केस में भी ये बोला गया था कि जो प्लेन मीनिंग है टेक्स्ट की उसको पंक्चुएशन से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।